सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Redmi ने आज उसका और एक फोन लॉन्च कर दिया, वो है Redmi Note 7S। इस फोन का स्पेसिफिकेशन जो है वो Redmi Note 7 में जो है एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। एक अंतर है उसके कलर को लेकर, क्योंकि उसका कलर जो एक पर्पल कलर के ऊपर आता है और ये जो आता है नॉर्मल ब्लू कलर में है, नॉर्मल रेड कलर में ऐसा कुछ है। और दूसरा है इसका कैमरा, इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाएगा और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सब सभी के सब सेम टू सेम है। इस फोन को लाने के एक्चुअली कारण ये है, रियलमी के जो फ़ोन था वो बिक रहा था ज़्यादा और रेडमी नोट 7 का इतना सेल नहीं हुआ है पहले से। मैं पहले भी जो टेक्निक मैंने डाला था आपसे कुछ एक महीने पहले आपको बोला था कैसे रेडमी नोट 7 प्रो को दिखा के रेडमी उसका रेडमी 7 बेच रहा है, उसी लिए वो क्या किया कि रेडमी नोट 7 प्रो तो अच्छा बिक रहा है मगर रेडमी नोट 7 ज़्यादा नहीं बिक रहा है, इसीलिए ये वेरियंट लाया रेडमी नोट 7S। इसमें जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर है, डुअल कैमरा 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा, 4000 एमएएच की बैटरी है, उसका फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का, फ़ोन के कोर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। माना जाए तो रेडमी नोट 7 जो फ़ोन था उसके साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा लगा के ये फ़ोन दे दिया। तो अभी आप लोग जो लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन के कीमत भी सही है, क्योंकि इस फ़ोन का जो कीमत है एक 3GB 32GB का जो वेरियंट है उसका कुछ 10,000 या 11,000 रुपया है और जो 4GB 64GB है वो कुछ 13,000 रुपया है। आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 23 तारीख से आपको ये फ्लिपकार्ट के सेल में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज और क्या क्या टेक न्यूज है। फोन बहुत से बिका जा रहे हैं दोस्तों, रेडमी के फ़ोन बहुत बिक रहा है। NDC के रिपोर्ट में 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में उसका 3 फोन बहुत ही बेचा गया है, उसमें एक है Redmi 6 है जो कुछ 3 मिलियन यूनिट बेचा गया, उसके बाद है Redmi Note 6 Pro और उसके बाद है Redmi Y2, यानी कि पुराना फोन सबसे ज़्यादा Redmi के बेचा गया है 2019 में। दोस्तों ये न्यूज़ है Vivo की तरफ से, Vivo का एक नया सीरीज आने वाला है, वो है Z5X, यानी कि जेड सीरीज का एक सीरीज आने वाला है Vivo का। उसका टेनर में सर्टिफिकेशन भी हो गया है, इसका 5000 मिली एम्पियर बैटरी होगा, यानी कि बड़े बैटरी के साथ आएगा और इसमें 5-6 डिस्प्ले भी मिलेगा। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसके प्रोसेसर क्या है, कैमरा क्या होगा, ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला, मगर उसका एक नया सीरीज आने वाला है। जैसे ओप्पो भी उसका एक नया सीरीज लाया है, ओप्पो रेनो, जैसे रेडमी भी उसके कुछ सीरीज लाने वाला है, जैसे सीरीज ऑलरेडी ला दिया रेडमी नोट 7X सॉरी रेडमी नोट 7S, ऐसा ही जो वीवो भी उसका एक नया सीरीज लॉन्च करने वाला है। और बताया जा रहा है कि वो फ़ोन कुछ प्राइस बजट सेगमेंट में होगा, यानी कि अच्छे प्राइस में मिलेगा और स्पेसिफिकेशन भी अच्छा होगा। एक्चुअली वीवो को के बात मुझे भरोसा नहीं है या विश्वास नहीं है, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा लेता है मगर देता कम है, और रेडमी रियलमी ये सब कंपनी क्या करते हैं, पैसा जैसा लेता है उससे अच्छा उसका क्वालिटी जो देता है, यानी कि उसका प्रोसेसर अच्छा देता है, कैमरा अच्छा देता है, उसका डिस्प्ले अच्छा देता है, इस हिसाब से देखा जाए तो वीवो कितना अच्छा लाएगा ये देखने का विषय होगा। क्योंकि ये फ़ोन अभी तक क्या कब लॉन्च होगा बताया नहीं गया, जब लॉन्च होगा या इस फ़ोन के टोटल डिटेल्स आ जाएगा, इसका प्राइस होगा, तब आपको बाकी। दोस्तों ये न्यूज़ है रेडमी की तरफ से, रेडमी 6 से बहुत बेचा गया है 19 में और फ़ोन भी अच्छा फ़ोन है। रेडमी के बहुत सारे फ़ोन 2019 में बेचा गया है फर्स्ट क्वार्टर में। अभी और एक लीक आ रहा है, वो है रेडमी 7A को लेकर, 7A भी बहुत जल्दी आने वाला है, टेनर पर सर्टिफिकेशन हो गया है, उसका कुछ पिक्चर भी आ गया है, अभी देखा जाए तो कब आएगा, क्योंकि रेडमी 6 से जब आया था अच्छे प्राइस में, प्राइस के साथ आया था, रेडमी 5 में जब आया था अच्छे प्राइस अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आया था, अभी रेडमी 7A जो आएगा वो देखना है उसका प्राइस क्या रहता है और स्पेसिफिकेशन क्या रहता है। एक्चुअली स्पेसिफिकेशन अच्छा ही रहेगा, क्योंकि रेडमी 7 जो आया है उसका भी डिज़ाइन अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा भी अच्छा है, वही उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इस फ़ोन में ये जो फ़ोन आएगा ये भी वैसा ही आएगा, इसका प्रोसेसर भी आ सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 या 636 ऐसा कुछ आ सकता है,
कैमरा भी आ सकता है, 12+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आ सकता है या सिंगल कैमरा। अभी लगता नहीं है सिंगल कैमरा आएगा क्योंकि 6A में भी डुअल कैमरा दिया था, तो जो 6A था 7A जो आएगा उसमें डुअल कैमरा हो सकता है और उसका जो फ्रंट कैमरा वो कुछ 8 मेगापिक्सल का भी दे सकता है। प्राइस कुछ 7,000 से लेकर 8,000 तक हो सकता है। तो देखा जाए जो स्पेसिफिकेशन आएगा वो अच्छा ही आएगा, अभी देखते कब आता है और उसके बाद उसके स्पेसिफिकेशन क्या रहता है, जब आएगा तब आएगा। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन में मोबाइल खरीदना नहीं चाहता है और कभी भी वन प्लस की तरह एक अच्छा फ़ोन अगर आता है उसको ऑनलाइन खरीदने के लिए बहुत हिचकिचाता है। तो एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छा न्यूज़ है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस 7 और 7 प्रो आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिलेगा, जियो स्टोर और रिलायंस स्टोर में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा और इसका जो प्राइस रहेगा वो ऑनलाइन में जो प्राइस है ऑफलाइन में भी आप वही प्राइस में मिल जाएगा आपको वो फ़ोन। तो जो जो लोग हो जो आप या जो जो कस्टमर है वन प्लस के या जो जो वन प्लस को पसंद करते हो वो सब अभी ऑफलाइन में चाहो तो ले सकते हो, जियो स्टोर में जाके या रिलायंस स्टोर में जाके आप परचेस कर सकते हो और प्राइस जो ऑनलाइन रहेगा ऑफलाइन में भी उसी प्राइस से आपको वन प्लस 7 प्रो मिल जाएगा। दोस्तों अभी तक न्यूज़ अच्छा लगे तो एक लाइक करना, जो नया दोस्त देख रहे हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम डेली 2 वीडियो डालते हैं, एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालते हैं और एक टेक न्यूज़ रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जिसको देख के आप कुछ टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे रह सकते हैं। तो चलिए दूसरे जो न्यूज़ है उसमें चले जाते हैं। ये न्यूज़ है रेडमी की तरफ से, रेडमी के जो K20 आने वाला है इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो लीक हो गया है। इसका जो डिस्प्ले होगा वो होगा 6.39 इंच के OLED डिस्प्ले। इसका जो कैमरा होगा पीछे ट्रिपल कैमरा होगा, सामने पॉप आउट सेल्फी कैमरा होगा, 4000mAh बैटरी होगा, मतलब सभी के सभी स्पेसिफिकेशन ठीक ठाक होगा, मगर प्रोसेसर जो आएगा उसको लेकर एक डाउट है, तो वो भी डाउट इस बार क्लियर होगा। इसका जो प्रोसेसर आएगा वो प्रोसेसर आएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855, यानी कि अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ, अच्छा प्रोसेसर के साथ, अच्छा कैमरा के साथ आने वाला है क्योंकि इसका जो ट्रिपल कैमरा होगा उसमें एक रहेगा 48 मेगापिक्सल का कैमरा और एक रहेगा कुछ 13 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा और एक रहेगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो देखते हैं ये फ़ोन आने के बाद कितना अच्छा होगा। तो रेडमी का फ़ोन मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, रियलमी के फ़ोन भी पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। जो ये फ़ोन आएगा ये एक किलर फ़ोन आएगा जिसमें वन प्लस को देखो या आप आसूस के फ़ोन को देखो, ओप्पो वीवो कोई भी फ़ोन अभी तक आया है सबको किलिंग करके ये फ़ोन आएगा, जिसके लिए इस फ़ोन में जो किलर जो वर्ड यूज़ किया गया है आप ये बोल सकते हो क्योंकि ये फ़ोन एक्चुअली किलर फ़ोन है। तो दोस्तों आज के लिए टेक न्यूज़ इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और सुबह भी आज हम एक वीडियो डाले थे वो है ओप्पो के एक फ़ोन को लेकर, ओप्पो A9X, उस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन क्या है अगर जानना चाहते हो वो फ़ोन कैसा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो, क्लिक करके वो वीडियो देख लो, आशा करता हूँ वो वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।